अब मेरी बात सुन, केबल ये लगा देना आगे भर हो जाए, इसका वो बड़ा है तो ये फंस के क्यों बसता है। कमेंट सब बोल दो ना। 8 4 5 2 7 1 सुनो,
यहाँ पर 1900 ओवर चल रहा है, स्वामी विवेकानंद 105 रन 50 विकेट के नुकसान पर खेल रही है। श्री नरेंद्र सिंह जी भदौरिया मेमोरियल ट्रॉफी इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। क्रिकेट चैंपियनशिप तो यहाँ पर सुबह लगभग से बात नहीं बनेगी, अब बड़े शॉट लगाने ही होंगे स्वामी विवेकानंद को, अगर एक फाइटिंग शॉट देना है उसको। एक और सिंगल यहाँ पर, ये तो ओवर चल रहे हैं लेकिन अभी भी सिंगल डबल्स में ही डील कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, तो जल्द ही बड़े स्ट्रोक में लगाने होंगे क्योंकि इसके बाद में सिर्फ एक ही ओवर शेष बचेगा इस पारी का। अगर उन्हें फाइटिंग टोटल देना है तो कम से कम 130 रन की उम्मीद यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जरूर लगा के रखी होगी अपने बल्लेबाजों से, और बहुत जोर से मारने का प्रयास है यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर आते हुए। जोशी से जानना चाहेंगे हम कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर स्कोरिंग करके। बेहतरीन गेंद यहाँ पर बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को आदित्य की, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, एक और विकेट का पतन होता हुआ स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर।
एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर पेश की, डेथ ओवर्स में काफी अच्छे तरीके से बांध के रखा है उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को, किसी भी तरह का कोई रन लीक नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर जहाँ स्वामी विवेकानंद को दरकार है बड़े शॉट्स की, तो वहीं स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है और एक शॉट लगाकर यहाँ पर मारने का प्रयास किया पर एक रन मिलेगा। और यहाँ पर एक और विकेट उसी के साथ स्वामी विवेकानंद की पारी के 20 ओवर समाप्त हुए। 111 रन बनाया उन्होंने 6 विकेट 7 विकेट के नुकसान पर। महू स्पोर्ट्स को 112 रनों का टारगेट दिया है यहाँ पर निर्धारित 20 ओवरों में। 111 रन और महू स्पोर्ट्स को 112 रन का लक्ष्य